दोस्तों आज हम बनाएंगे सरसों बथुआ का मिक्स सब्जी, या आप कह सकते हैं सरसों बथुआ का साग। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले सरसों और बथुआ को हम अच्छे से महीन महीन काट लेंगे। ये देखिए, ये हमने ले लिया, ये बथुआ है और ये सरसों है। हरी सब्जियां दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ये देखिए, ये दोनों कट गई हैं, अच्छे से हमने काट के इसको धुल भी लिया है। ये लिया है लहसुन और लाल मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका हमने पेस्ट बना लिया है, लहसुन और लाल मिर्च के अचार का पेस्ट इसके लिए तैयार किया है। ये इस रेसिपी का सीक्रेट है। कढ़ाई में देखिए तेल गरम करने के लिए हमने डाल दिया है। मेथी का तड़का देंगे। हरी मिर्च का तड़का देंगे। अब इसके बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था लाल मिर्च के अचार और लहसुन को, इसको इसमें मिलाएंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे और इसको भुनेंगे। इसमें हींग भी ऐड करेंगे। दोस्तों सरसों के साग में तीखापन रहता है, इसीलिए हम ये तैयार किए थे लहसुन और मिर्ची के अचार का पेस्ट, जिससे कि सरसों का तीखापन ख़त्म हो जाए। और सबसे पहले देखिए हम ये सरसों के साग को ही इसमें मिला रहे हैं, इससे इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। और हमारा ये सरसों और बथुआ का जो सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। अब हम इसमें बथुआ ऐड करेंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जो हमने इसमें पेस्ट डाला है मिर्ची के अचार का, लाल मिर्ची के अचार का और लहसुन का, वो इस रेसिपी का सीक्रेट है, जिससे ये साग बहुत ही टेस्टी और यमी बनके तैयार होता है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। हल्दी मिलाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची के अचार में खुद नमक होता है, उसकी वजह से देखिए बहुत जल्द ये हमारा बथुआ और सरसों गल गया है। इसलिए बाद में हम नमक कम ही डालेंगे। अब हम इसको ढक देंगे, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा देखिए, क्योंकि पहले से ही बथुआ और सरसों जो है गल गया था। अब इसको कुछ देर के लिए हम अच्छे से भुनेंगे, ताकि इसमें थोड़ा करारापन आ जाए और हमारा ये सरसों बथुआ थोड़ा चटपटा और स्वादिष्ट बने। अच्छे से इसको चारों तरफ से चलाते रहेंगे।
बथुआ का साग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बथुआ से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। ये देखिए हमारा सरसों बथुआ का मिक्स बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहा है, और इसमें लाल मिर्चे के अचार और लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था उस सीक्रेट से ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब सब्जी बन के तैयार हुई है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना स्वादिष्ट सरसों और बथुआ लग रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों मुझे भी सरसों बथुआ कभी नहीं पसंद था, पर इस तरह से जब आप बनाएंगे तब आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी लग रही है, करारी बनी है। अब हम इसमें हरा धनिया मिला देंगे जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसको मिक्स कर देंगे हरा धनिया को। हरा धनिया सब्जियों की जान होता है, इसको मिलाने से और स्वाद बढ़ जाता है। देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है हमारा बथुआ और सरसों का ये रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि मुझे प्रेरणा मिलेगी और फिर मैं नए रेसिपी को लेके फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।